हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने गार्डनिंग चैनल माय मिनी बगीचा में। तो देख सकते हैं आप मेरी बोगनवेल कितनी हेल्दी, कितनी कलरफुल हो रही है। तो इसी के साथ आपको हैप्पी होली, और इसी तरीके से जैसे मेरे ये प्लांट्स इतने हेल्दी हो रहे हैं बोगनवेल के, और इसमें जितने कलर हैं, इसी तरीके से आपकी भी लाइफ में ढेर सारे कलर बने रहें हमेशा, और इसी तरीके से आपकी लाइफ हेल्दी बनी रहे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने गार्डन के एक छोटे से अपडेट की। और मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेरी बोगनवेल कितनी अच्छे से ब्लूम कर गई है, और इसमें सारे फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ के अब मन बिल्कुल खुश हो जा रहा है कि हरा भरा सा मेरा गार्डन पहले जैसा फिर अच्छा सा हो गया। और ये टॉप वाले टेरेस का गार्डन है मेरा, और देख सकते हैं आप यहाँ दो तीन तरीके की बोगनवेल है। ये एक अलग वेराइटी है, और जो पिंक और वाइट शेड वाली दिख रही थी वो एक अलग वेराइटी है। तो ये मिक्सअप हो जाते हैं, जब फैल जाते हैं प्लांट तो मिक्स हो जाते हैं, तो पता नहीं लगते हैं कि इसमें कितनी वेराइटी रखी हुई है। तो ये काफ़ी सुंदर और पूरा फूलों से भरा हुआ प्लांट है। और अब हम आगे चलते हैं अपनी दूसरी बोगनवेल की तरफ। तो ये भी वाइट कलर की बोगनवेल है, और गुच्छे वाली बोगनवेल है, और धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाता है, और चेंज होके ये पिंक शेड में आ जाती है। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके जो गुच्छे हैं, मैं धीरे धीरे दिखाऊंगी आपको जब ये पूरी तरीके से बड़े हो जाएंगे। और इसी के साथ ये मेरे है गेंदे के पेड़, जो कि बहुत ही हेल्दी, और कितना बड़ा बड़ा फूल इस पे आया है। तो काफ़ी हेल्दी प्लांट था जब मैंने आपको दिखाया था, इसमें कलियां आ रही थी, तो अब ये ब्लूम कर गया है, और बस सारे बहुत सारे रंग मेरे गार्डन में भर गए हैं अब। और ये है मेरे समर का एलमंडा प्लांट, येलो कलर का, जो मैंने कटिंग करके आपको दिखाया था। तो इसमें देखिए कितनी सारी पत्तियाँ आ गई हैं, और अब धीरे धीरे ये पूरा आपको फूलों से भरा दिखाई देगा। तो ये मेरे सारे समर के प्लांट हैं, ये टिकोमा का प्लांट है, और अब धीरे धीरे आपको दिखाई देंगे। ये येलो कलर का टिकोमा है जिसमें गुच्छे में फूल आते हैं, और देख सकते हैं फूल आने भी वाले हैं इसमें। तो बहुत ही जल्दी, मैं कह रही हूँ ना आपको, समर के सारे फूल मेरे गार्डन में दिखाई देंगे। तो बहुत अच्छा अभी दिखने वाला है धीरे धीरे ये। और ये जब मैं प्लांट लेके आई थी तो इसमें बस एक ही बार थोड़े से फूल आ पाए, और इसका टाइम ख़त्म हो गया था। ये फिर डोरमेंसी में चले जाते हैं, फूल नहीं देते। और ये भी मेरा टिकोमा का प्लांट है, जो कि मैंने कटिंग कर दी थी, आप लोगों को दिखाया भी था, और देखिए कितनी अच्छी लीव्स आ गई हैं। तो आप भी अपने प्लांट्स की कटिंग प्रूनिंग करते रहिए, और इतना हेल्दी प्लांट आपको मिलेगा, और काफ़ी सारे फूल। और ये डॉग फ्लावर है, जो कि मैंने लास्ट ईयर जो बीज बना के रखे थे वही डाले थे, तो उससे कुछ पौधे निकल आए हैं। और ये प्लूमेरिया का, जो कि मैंने पूरा एक वीडियो डाला था डोरमेंसी प्लांट के ऊपर, तो वो देखिए आप, कटिंग की थी मैंने, काफ़ी मोटी इसकी स्टेम होती हैं, तो इसको निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। इसकी जो ये किल्ले निकलते हैं तो उसको काफ़ी समय लगता है। तो देखिए अब ये निकल आए हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया। और जहाँ से मैंने कट किया है वहाँ से आप देख सकते हैं कि एक कटिंग में से कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये जितना आपको ये फूली फूली जगह दिखाई दे रही है, ये सारी इसमें से ब्रांचेस निकलेंगी, और ये छोटे छोटे लीव्स भी निकल आए। तो देखिए अब ये प्लांट मेरा भी थोड़े दिन में ही आप देखेंगे काफ़ी हेल्दी और काफ़ी बुशी प्लांट दिखाई देगा आपको, फूलों से भरा हुआ। और ये देखिए जो मैंने अभी गुड़हल का भी हाल फिलहाल में ही दो तीन दिन पहले वीडियो डाला था पीली पत्तियों के ऊपर, तो देखिए पीली पत्तियाँ हटाते ही इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी आ गई है। तो दो तीन दिन में ही इसमें ये पत्तियाँ जितनी भी थी ये कितनी बड़ी हो गई हैं, और देखिए कि इसमें जो कलियाँ भी आ रही हैं। तो अब ये काफ़ी अच्छा भी फूल देगा धीरे धीरे, और पूरा हरा भरा हो जाएगा ये प्लांट। तो अगर आपकी भी अभी कटिंग आपने नहीं की है तो अभी टाइम है, आप कटिंग कर सकते हैं अपने प्लांट को अच्छा ग्रीन हरा भरा बनाने के लिए। और ये भी एक देखिए कटिंग करके मैंने ये भी आपको दिखाया था, ये भी गुड़हल का प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग की थी, और देखिए कितनी ब्रांचेज इसमें अलग अलग निकल आई हैं। और ये मेरी एक छोटी सी, बिल्कुल छोटू सी ट्रे में मैंने बोगनवेल लगाई है, वो बोनसाई के फॉर्म में। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें भी छोटू से पौधे में भी फूल आ रहे हैं। और ये एलमंडा का प्लांट, जो कि मैंने आपको फिर एक वीडियो में दिखाया था, इसकी कटिंग कर रखी थी मैंने,
तो ये देखिए इसमें भी काफ़ी सारी ब्रांचेस आ गई और अभी इसमें काफ़ी बड़ा हो जाता है ये, और बहुत ही सुंदर इसमें फूल आते हैं। मुझे इसके फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं, लाउड स्पीकर की तरह होते हैं और कई सारे कलर में आते हैं, येलो और ये है पिंक कुछ शेडेड वाला, और येलो फूल भी का भी आता है, वो भी बहुत सुंदर होता है। और ये है हाइब्रिड गोल्ड मोर, जिस पे जो अभी फूल देगा जब सुंदर सुंदर, बहुत लॉन्ग टाइम तक इसका फूल बना रहता है और चिड़ियाँ इस पे बहुत अट्रैक्ट होती हैं, और डिफरेंट सी इस पे चिड़िया आती है जो कुछ खाती है इसके पास से। और ये है मेरी कटिंग जो मैंने आपको बैंड्रिंग जू की कटिंग लगा के दिखाई थी, कितनी छोटू सी कटिंग लगाई थी मैंने, और देखिए कितनी बड़ी हो गई है। और अभी आप थोड़े दिन बाद मैं वीडियो दिखाऊँगी तो ये पूरा फुल होगी। और ये है टर्टल वाइन की, ये झांक रहा है छोटू सा पौधा, तो आप देख सकते हैं कि कितनी छोटू छोटू सी मैंने इसमें कटिंग लगाई थी और कितनी बड़ी हो गई है। तो यही आज का मेरा छोटा सा अपडेट था, ये भी मेरी एक बोगन बेल है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है। तो इतना सारा टाइम देने के लिए आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद।